जैसे जानते हैं कि अर्थ डे आ रहा है, तो लेट्स सेलिब्रेट द अर्थ डे अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल डे. मिट्टी के बर्तन इज माय वे ऑफ गेटिंग मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. सो चलो शुरुआत करते हैं मटका पुलाव की. इससे पहले बीन्स हैं कुछ 5-6. हाँ पुष्पा कितना है? और एक कैप्सिकम है, मुझे पता है. और करीब 2 गाजर है इसके अंदर, लंबी लंबी गाजर. कैरेट्स भगवान जाने मैं आज क्या कस्टमर दिखाने वाली हूँ. तो अभी ऑलमोस्ट मेरा ही पानी उबलने वाला है. जब पानी उबल जाएगा तो मैं इसमें सारे मसाले, खड़े मसाले डाल दूँगी और फिर मैं राइस पकाने के रखूँगी. उससे पहले मैं इसको मैरिनेट करती हूँ. जो दही है करीबन 1.5 किलो है, तो मतलब मैं इसको 2 कटोरी के करीब जो है इसमें दही डालूँगी. 5 कटोरी मैंने राइस जो है भिगो के रखी है. ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं. तो अभी मैं ज़रा नाप के, मेरी मम्मी बोलती है जितने चावल हो उससे डबल पानी डाल दो. वरना मुझे गाली देनी पड़ेगी. वो कह रही सींगी है. डाले डाले अपने हिसाब से डाले. अगर तेज हुआ ना फिर देख लियो. और भी बहुत ज्यादा पक्का नमक है, मैंने डाल दिया था. और थोड़ा नहीं डालो थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा. नमक बहुत है फिर नमक तो ऊपर से डाल देगा. मुझे चाट मसाला क्या और वो जो होता है क्या बोलते हैं पुलाव, सॉरी बिरयानी मसाला है क्या? हाँ वो भी डालते हैं ना. आधी नथिंग इज इम्पॉसिबल. जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. डालती हूँ डालती हूँ डालती हूँ. एक्चुअली कहीं कहीं से चावल कच्चा रहेगा. मेरी मम्मी ने बहुत सही कर दिया है, उसको वापस मैं पानी डालकर पका दिया. नेक्स्ट टाइम बेटर लग नेक्स्ट टाइम हो गया मेरे लिए.